हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्म रिटेनिंग वाल के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को लेकर। रिटेनिंग वाल के फाउंडेशन एक्सकेवेशन के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा रिटेनिंग वाल के बारे में समझ लेते हैं। रिटेनिंग वाल क्या होती है, क्या पर्पज़ होता है। देखिए फ्रेंड, जब भी आप रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको मिट्टी का काम करना होता है, उसमें सबग्रेड करना होता है। तो अगर आपकी जो रोड है या जो सड़क है वो ऐसे अलाइनमेंट पर जा रही है जिसमें अलाइनमेंट के बोथ साइड हो सकती है या सिंगल साइड, किसी भी एक साइड आपकी रिवर हो सकती है, वैली हो सकती है, स्टीप स्लोप हो सकता है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी जो रोड है वो जो ग्राउंड सरफेस हो इस प्रकार से हो सकती है, और यहाँ से कोई आपकी एक रिवर या कोई भी वैली आपकी हो सकती है। तो अब आपको यहाँ पे अगर मिट्टी का कंस्ट्रक्शन करना है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो ये जो आपने फिलिंग किया है, इस फिलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वाल टाइप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस वाल टाइप के स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं रिटेनिंग वाल, बिकॉज ये जो हमारी फिलिंग है, जो भी हमने ग्रैनुलर वर्क किया है, मिट्टी का काम किया है, ये उसको रिटेन करके रखता है, उसको स्टेबलाइज करके रखता है, जिससे जो मिट्टी है या जो ग्रेवल है वो हमारा स्लिप नहीं होता है और वो अपनी पोजीशन पर ही जमा रहता है। तो इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये रिटेनिंग वाल का मैंने जो आउटर फेस है वो आपको दिखाया। अब इनर फेस जहाँ पर हमने फिलिंग किया है वो भी मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हम चलेंगे इस रिटेनिंग वाल के फाउंडेशन की एक्सकेवेशन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी रिटेनिंग वाल का इनर फेस है और ये आउटर फेस है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी एक रिवर यहाँ पर हमारी अलाइनमेंट में आ रही है। तो अब रिवर आ रही है तो अब हमें सड़क भी बनानी है। सड़क बनाने के लिए हमें क्या होता है, जो रोड का लेवल हो सकता है थोड़ा हाई हो, तो रोड का लेवल हाई होने के कारण हमने ये जो फिलिंग की है फ्रेंड, ये जो ग्रेनुलर फिलिंग किया है मटेरियल का, इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको स्टेबल रखने के लिए हमने ये वाल टाइप, ये जो वाल देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो वाल हमारी जा रही है इसका कंस्ट्रक्शन किया है। इससे वाल से क्या होगा, ये हमने जो फिलिंग किया है, फिलिंग हमारा यहाँ पर स्टेबल रहेगा, सॉलिड पोजिशन में रहेगा। और जब भी मान लीजिए कभी इस रिवर में, जो रिवर है हमारी, यहाँ पर फ्लड आता है या बारिश का सीजन होता है, तो इसमें हमारा इरोजन नहीं होगा और हमारा जो रोड है वो सेफ रहेगी। इसलिए इसको हम प्रोटेक्शन वाल भी बोलते हैं और इसे हम टेक्निकल भाषा में रिटेनिंग वाल बोलते हैं। अब ये जो रिटेनिंग वाल है फ्रेंड, इस रिटेनिंग वाल के लिए भी हमें सबसे पहले एक्सकेवेशन करनी होती है बिकॉज ऑफ उसके फाउंडेशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस रिटेनिंग वाल का फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आगे समझते हैं। देखिए फ्रेंड, जनरली जो रिटेनिंग वाल की हाइट होती है वो अप टू 6 मीटर तक हम सिंपल PCC वाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन अगर हमारी जो वाल की हाइट है, जो कि आपने पिछली इमेज में देखी होगी, अगर वाल की हाइट हमारी 6 मीटर से अबव जा रही है, तो वाल जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, अगर हमारी 6 मीटर के अबव हमारी वाल की हाइट जा रही है, तब हमें काउंटर फोर्स रिटेनिंग वाल का डिज़ाइन करना होता है। तो काउंटर फोर्स के लिए जो उसका फाउंडेशन है, जो उसकी राफ्ट फाउंडेशन में से कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसकी एक्सकेवेशन आप कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर भी हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो अब आगे हम और बढ़ते हैं और चलते हैं एक्सकेवेशन की तरफ, ठीक है। इस इमेज में मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। ये हमारी, हमने एक रिटेनिंग वाल यहाँ पे काउंटर फॉर रिटेनिंग वाल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी है डाउनस्ट्रीम, मतलब ये डाउनस्ट्रीम है, और जो इस तरफ है हमारी अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम तरफ भी हवा में क्या करना है, ये जो हमारी अबुटमेंट की फेस वाल है, ठीक है, अबुटमेंट की फेस वाल के एड ज्वाइनिंग से, ये जो हमारा एड ज्वाइनिंग है फेस वाल का, इसके ही फेस से हमें इस वाल को कंटिन्यू करते हुए एक और वाल कंस्ट्रक्शन करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें एक और वाल का कंस्ट्रक्शन करना है, और इस प्रकार जो आप ये ग्रेवल देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, ये जो ग्रेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने भरा हुआ है, ये ग्रेवल भी हमें यहाँ पर फिलिंग करना है। तो इस ग्रेवल को ही सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और वाल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये वाल हमें कहलाएगी रिटेनिंग वाल। अब बिकॉज ऑफ इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर से ज़्यादा हो रही है, तो हमें इसलिए यहाँ पे काउंटर फॉर रिटेन वाला कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसके लिए एक्सकेवेशन हमने कर रखा है फ्रेंड, तो उसके बारे में हम आगे और
समझ लेते हैं फ्रेंड। ये जो एक्सकेविशन आप देख रहे हैं, ये हमने एक्सकेविशन जो हमारी काउंटरफुट रिटेनिंग वाल का फाउंडेशन है, इसमें जो फाउंडेशन हम लेंगे या जो फुटिंग लेंगे, वो फुटिंग हम राफ्ट फुटिंग इसमें डिज़ाइन करते हैं। राफ्ट फुटिंग एक प्रकार से स्लैब लाइक फुटिंग होती है, जिसमें सबसे नीचे जो बेस रहती है उसकी, वो हमारी एक राफ्ट स्टाइल या स्लैब स्टाइल की फुटिंग हम इसमें करते हैं। अब इसके जो काउंटरफुट की राफ्ट फ्रंट एज पर ड्राइंग हमने डिज़ाइन की है, तो वो लगभग है 6 मीटर, इसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर है, और लेंथ हम एज पर रिक्वायर्ड जो भी हमें लेना है वो हम लेंथ ले सकते हैं, और विड्थ है हमारी अप्रॉक्स, ये जो विड्थ हो रही है ये हमारी है 6 मीटर। ओके फ्रेंड, तो 6 मीटर की विड्थ के लिए हम जो एक्सकेवेशन करेंगे फ्रेंड, जो हमने एक्सकेवेशन किया है वो हम कम से कम 1 मीटर, आधा मीटर से 1 मीटर हम ज़्यादा एक्सकेवेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 मीटर की फुटिंग आएगी, वो हमारी इतने एरिया में आ जाएगी, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस भी हम खोद के रखते हैं, क्योंकि हमें जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन करेंगे, शटरिंग करेंगे और इसमें रेनफोर्समेंट का बाइंडिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम आधा से 1 मीटर एक्स्ट्रा हमारा एक्सकेवेशन चौड़ाई में और लंबाई में करते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब ये एक्सकेवेशन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सकेवेशन हो गया है तो एक पर्टिकुलर लेवल हमें एक्सकेवेशन के लिए अचीव करना होता है, जो हमारा इसका बेड लेवल आएगा, राफ्ट का बेड लेवल, माफ कीजिए, राफ्ट जहाँ पर रेस्ट करेगी हमारी राफ्ट, तो उसका जो एक्सकेवेशन लेवल है वो हमें चेक करना होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल तक हमें एक्सकेवेशन करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पानी का कलेक्शन हो गया है, अब पानी का कलेक्शन होने के कारण प्रॉब्लम यह आती है फ्रेंड कि यहाँ पे सफाई नहीं हो पाती है, लेवल लेने में भी प्रॉब्लम जाती है, और आपके अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि हमारी जो रॉक आई है, मिट्टी आई, वो सॉफ्ट रॉक है या हार्ड रॉक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिवाटरिंग भी करते हैं। डिवाटरिंग एक वाटर पम्प की हेल्प से हम ये जो पानी है इसको पुल आउट कर देते हैं। अब वाटर पुल आउट करने के बाद क्या कंडीशन बनती है वो हम आगे समझते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, जो भी पानी इकट्ठा हो गया था हमारी एक्सकेवेशन के अंदर, उसको हमने डिवाटरिंग कर दिया है, और यहाँ पे हमारा जो एक्सकेवेशन है, उस एक्सकेवेशन का हमारा टॉप या एक्सकेवेशन का जो बेस है वो आ गया है बाहर। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है फ्रेंड, हम भी जब भी किसी वाल का, पियर का, कॉलम का, अबटमेंट का फुटिंग डालेंगे, तो हमें जो फुटिंग को रेस्ट कराना होता है, फुटिंग जहाँ पर हमारी लेट करेगी, वो हमारा सरफेस हार्ड रॉक होना चाहिए या नॉन, अगर हार्ड रॉक है तो आपकी हार्ड रॉक होना चाहिए, अगर ये आपके टोटली स्ट्रेटा पर डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे स्ट्रेटा में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पर हमारा हार्ड रॉक इजीली अवेलेबल है, तो हमें एक्सकेवेशन तब तक करनी है जब तक कि हमारी हार्ड रॉक हमें नहीं मिल जाती, या फिर आप कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ ब्लैक कॉटन एरिया है, तो वहाँ पर हमें तब तक हमारा एक्सकेवेशन को करना है, उस डेप्थ तक एक्सकेवेशन को करना है कि जब तक कि हमें जो सॉइल है वो नॉन एक्सपेंसिव या जिसमें स्वेलिंग एक्टिविटीज़ ना हो, उस प्रकार की सॉइल हमें नहीं मिलती है। सैंड इन जनरल हमें अगर सैंडी सॉइल वहाँ पे मिल जाती है तो वहाँ पर एक्सकेवेशन को स्टॉप कर देना है, और अगर हार्ड रॉक मिल जाती है तो हार्ड रॉक पे आपको एक्सकेवेशन को स्टॉप कर देना। तो यहाँ पर हमें हार्ड रॉक अवेलेबल हो गई, इसलिए हमने एक्सकेवेशन को स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अब ये जो एक्सकेवेशन है फ्रेंड, ये जो एक्सकेवेशन किया है, ओके, तो इस एक्सकेवेशन का एक एलिवेशन क्या है, लेवल क्या है, वो हम आगे चेक करते हैं, तो उसकी प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, इसके लेवल लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने एक्सकेवेशन है उसके डिफरेंट पॉइंट पर इस प्रकार से हम इसके लेवल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो आपके कोने कोने हैं, प्रत्येक कॉर्नर पर आपको लेवल लेना है और सेंटर में भी लेवल लेना है, इस प्रकार से आपको इसके सरफेस लेवल वो आपको मेजर करने हैं और कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए, जब भी आप सर्वे वर्क करेंगे या लेवल वर्क करेंगे, तो आपको जो आपका बेस आ रहा है, जो आपकी एक्सकेवेशन की लेवल आई है फ्रेंड, ये जो आपकी एक्सकेवेशन की लेवल आई, इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, जो आपकी ग्राउंड लेवल है इसकी भी आप लेवल लेते चलिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक ग्राउंड लेवल मतलब जो एक्सपोज लेवल है, जैसे यहाँ पर एक्सपोज लेवल ये हो रही है, तो इसके भी आपको लेवल ले लेना है, जिससे हमें एक आइडिया ये लग जाएगा कि हमने कितनी एक्सकेवेशन कर ली। इन जनरल हमारी एक्सकेवेशन है वो 2 मीटर 2.5 मीटर तक जाना चाहिए। ओके, कॉर्नर है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नंबर
टू नंबर, थ्री नंबर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, इतने जो आपके नौ पॉइंट बन रहे हैं, नौ पॉइंट पर आपको लेवल लेने हैं। स्टाफ को आप रखते जाइए और स्टाफ की रीडिंग आप देखते जाइए, और ये जो रीडिंग आएगी स्टाफ की, ये रीडिंग आपको लिखना इंटरमीडिएट साइड, जिसे हम आईएसवी बोलते हैं। हमने जो टीबीएम पर स्टाफ रख के रीडिंग ली थी, वो हमारी आएगी बैक साइड में, और ये जो रीडिंग है वो हमारी आ जाएगी इंटरमीडिएट साइड में। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम ये इंटरमीडिएट साइड लेने के बाद अब हम करते हैं हमारे एक्सकेवेशन लेवल है उसके आरएल का कैलकुलेशन, और डाटा शीट कैसे प्रिपेयर करनी है हम वो समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब इस प्रकार से हम एक ड्राइंग पेपर कर लेंगे, कागज़ पे या ऑटोकैड जो भी सॉफ्टवेयर एक्सेल शीट में भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे जो हमारी साइट कंडीशन के हिसाब से हमने एबटमेंट, हमारी एबटमेंट थी ये, इसके एडजॉइनिंग से हमें यहाँ पर जो एक्सकेवेशन किया है, इस प्रकार से आपका फील्ड में शो हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हमने नौ पॉइंट पर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, इन नौ पॉइंट पर हमने हमारे जो बैक साइड है, माफ़ की जो इंटरमीडिएट साइड है, वो हमने ऑब्जर्व किया था और उसको नोट डाटा बुक में कर लिया था। तो ये जो इंटरमीडिएट साइड हैं, इनकी इंटरमीडिएट साइड से अब इसकी रिड्यूस लेवल क्या आ रहे हैं वो हम समझते हैं। जैसे ये हमारी एबटमेंट है, तो ये आपको डायरेक्शन मालूम रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जो आप जो नोट कर रहे हैं, जब भी इंटरमीडिएट साइट आप नोट करें तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की आपकी इंटरमीडिएट साइट हो, वो आपस में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने F9 की जो इंटरमीडिएट साइट ली वो आप F1 में लिख दें, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसलिए आप पहले से ड्राइंग प्रिपेयर कर लें और ड्राइंग पर ही आप सारे जो पॉइंट हैं वो नोट डाउन करते चले जाएं। चलिए अब डाटा शीट हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो एक्सकेवेशन लेवल के लिए इस प्रकार से आप डाटा शीट तैयार कर लीजिए, एक्सेल में आप कर लीजिए, एक्सेल शीट में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। ठीक फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेशन, किस जगह पे हम जो हमारा सर्वे है या लेवल का काम है वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एबटमेंट रिटेन वॉल। ठीक है, एबटमेंट की रिटेन वॉल के लिए हम जो एक्सकेवेशन किया है उसके लेवल हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। लोकेशन लिख लीजिए, अब एक्सकेवेशन जो किया है वो एक हो सकता बहुत बड़ा एरिया हो, तो वहाँ पर हम अलग से लोकेशन का एक कॉलम लगा लेंगे, जिसमें हमने F1, F2, F3 से लेकर F9 तक पॉइंट हमने वहाँ पर दे दिए हैं। फिर आती है बैक साइड। बैक साइड क्या होती है फ्रेंड, बैक साइड होती है जो हमारा टीवीएम था। ठीक है, जो हमारा टीवीएम था जिसके लिए आरएल वैल्यू हमने पहले से ही लिख के रखी है, पहले से हमारी आरएल उसकी फिक्स करके रखी है, जिसकी आरएल, जिसका आरएल था 100.96, रिड्यूस लेवल 100.96 था। उस पर हमने जो हमारे स्टाफ को रखा, स्टाफ जिसे आप गजवी बोलते हैं, उसको रखा, और उसका जो रीडिंग आया आपके ऑटो लेवल मशीन से, उस रीडिंग को हम बोलेंगे बैक साइड। टीबीएम पर जो स्टाफ की रीडिंग ली गई है वो रीडिंग आपकी कहलाएगी बैक साइड। ओके, अब आरएल है 100.96 और बैक साइड है 1.025, तो आप क्या कीजिए, आरएल प्लस कर दीजिए आरएल प्लस बीएस, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच आई, क्योंकि हम एच आई मेथड से सर्वे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको एच आई इसमें ज़रूर कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो आर एल प्लस बी एस हमारा 1.025, तो हमारा एच आई हो जाएगा 101.985। ओके, एच आई आ गई 101.985। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो लोकेशन F1, F2, F3 से लेकर F9 तक, इन पर हम स्टाफ को रखते चले जाएंगे और उनका जो रीडिंग है वो ले लेंगे। तो ये जो रीडिंग आएगी, अब ये सारी रीडिंग आएगी इंटरमीडिएट साइड, मध्यवर्ती साइड जिसे हम बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट साइड हमने यहाँ पर F1 से लेकर F9 तक के लिए नोट कर ली। F1 के लिए जो आई 3.215 और F9 के लिए आई 3.205। इस प्रकार से ये जो सारी साइट हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो आप IAS में नोट कर लीजिए। अब इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट साइट से आपके आरएल कितनी हो रही है, तो वो हम निकालेंगे एचआई माइनस आईएस से। एचआई 101.985 माइनस कर दीजिए आईएस 3.215, तो हमारा आरएल आ जाएगा 98.77। इसी प्रकार से जो अगली इंटरमीडिएट साइट है उसको भी आप एचआई में से घटा देंगे तो उसके लिए आरएल आ जाएगा। फिर एचआई में से जो भी इंटरमीडिएट साइट है उसको माइनस करते जाएं तो आपको
उस पर्टिकुलर पॉइंट का आरएल मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आरएल आए हैं, जो रिड्यूस लेवल हमने ऑब्जर्व किए हैं, वो रिड्यूस लेवल सही है या नहीं। तो ये जो रिड्यूस लेवल है फ्रेंड, आपको मतलब कितने और चाहिए हैं, कितने कम हैं, ज़्यादा है, तो ये आपको ड्राइंग से मालूम करना होते हैं। आपके लिए जो ड्राइंग दी हुई है, उस ड्राइंग में आपको पीसीसी का जो टॉप लेवल है या एक्स की परसेंट टॉप लेवल है, फुटिंग का लेवल है, एबिटमेंट का लेवल, माफ कीजिए, जो रिटेनिंग वाल का लेवल है, वो सारे लेवल आपको ड्राइंग में मेंशन किए हुए होते हैं। तो ये आपको आपकी ड्राइंग में देख के चलना है कि आपको कितने लेवल तक एक्सकेवेशन करना है। मान लीजिए हमें एक्सकेवेशन लेवल दी हुई है 100.10, ओके। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी एवरेज एक्सकेवेशन आ रही है 98.77। हम लेके चलते हैं कि हमारी एक्सकेवेशन 98.77 आ रही है, हमें चाहिए कितनी है 100.10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक्सकेवेशन किया है वो ज़्यादा कर दिया है। अगर ये रीडिंग अभी, क्योंकि हमें 100.1 चाहिए, यानी कि जो इससे तुलना में हमें एक्सकेवेशन है वो थोड़ा ऊंचा चाहिए। एक्स जो लेवल है, सरफेस का जो लेवल है, वो ज़्यादा चाहिए। अब सरफेस का लेवल ज़्यादा कब होगा? जब आपकी खुदाई कम रहेगी। खुदाई ज़्यादा रहेगी तो आपका एक्सकेवेशन का लेवल भी कम हो जाएगा। अब चूँकि एक्सकेवेशन का लेवल हमारी जो प्रेजेंट खुदाई है उससे ज़्यादा हमें चाहिए था, तो इसका मतलब ये है कि हमारी खुदाई ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सकेवेशन का लेवल ये बोलते कि हमें एक्सकेवेशन का लेवल चाहिए है 95.10, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रेजेंट एक्सकेवेशन लेवल आया है 98.77, वो अभी भी ज़्यादा है हमारे रिक्वायर्ड एक्सकेवेशन से। रिक्वायर्ड एक्सकेवेशन जो कि है हमारा 95.10 और प्रेजेंट आ रहा है 98.77, यानी कि 98.77 हायर देन है 95.10। तो हमें अभी और एक्सकेवेशन करने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो ये आपको आपकी ड्राइंग से मैच करके देख लेना है। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ और ये एक्सेल शीट दोनों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, टाटा।